ही जानू लूआमी जेबे गागली कोयली जेबे गागली रामी अरे था चो जीवना भगवान भरोसा गुरुल ते तरटे मुरु चार सरगी आरु कोसा। नदी अक्सर निकलती है छोटे से छिद्र से और कांतर में आगे बढ़ते बढ़ते विशाल विहंगम जलधारा के रूप में नदी के रूप में निकलती है और कई पर्वतों को फोड़ते हुए जलप्रपात का सौंदर्य भी बिखेरती है। बात यही जब होती कुछ प्रतिभाओं की तो अक्सर प्रतिभाएं निकलती है छोटे से गांव से, छोटी सी रचनाओं से। लिखते लिखते समाज को एक नई दिशा देते हैं और उनका व्यक्तित्व समाज में एक उन्नति की ओर एक प्रखरता की ओर पहुंच जाता है। आज साहित्य के हमारे इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है राजीव रंजन प्रसाद। राजीव रंजन प्रसाद जी बस्तर के एक छोटे से कहा जाए कस्बे से आते हैं। अगर हम उनको भौगोलिक मानचित्र में देखें तो नाम कम आता है, लेकिन यदि धार्मिक दृष्टि से देखें तो जिले का बहुत बड़ा नाम है, वो है दंतेवाड़ा। लेकिन यहीं पे अगर हम खदानों के सुर जाए तो एक और नाम आता है बचेली, जो मूलतः निवास स्थान है राजीव रंजन जी का। राजीव रंजन जी छत्तीसगढ़ के बस्तर से निकल करके प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में देश में अपना नाम कमा रहे हैं और इनकी एक किताब बहुत प्रसिद्ध हुई थी, उपन्यास कहूँ तो, उसका नाम था आमचो बस्तर। राजीव जी आमचो बस्तर के अलावा उनकी बहुत सारी कविताएं भी आ चुकी हैं, किताबें हैं, सब ज्यादा विस्तृत नहीं लूंगा। राजीव जी के बारे में बताने के लिए मुझे कम से कम नहीं तो 15 मिनट लग जाएगा अगर मैं पूरी बातें बताऊंगा। कुछ बातें राजीव जी से आप समझ लेंगे जब उनसे चर्चाएं होंगी। वैसे आप इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित हैं और साकृत नारायण की पुरस्कार भी आपको मिला है। इसके अलावा राज्य स्तरीय बहुत सारे पुरस्कार उनको प्रतिवर्ष के रूप में गिना जाता, प्रतिवर्ष मिले हैं। मैं संक्षिप्त में सर इतना ही बता रहा हूँ आपके बारे में, क्योंकि समय है बात करने का। बिल्कुल। तो राजीव जी, जैसा मैंने आपकी पहली किताब काफी समय पहले पढ़ी थी, वो थी आमचो बस्तर। बस्तर का जब भी नाम आता है हम जानते हैं कि हरी भरी वादियां हैं, ग्रीनरीज है, जलप्रपात है, वहां भोले भाले आदिवासियों का क्षेत्र है, अनूठी संस्कृति है, एक अलग नृत्य है, दशहरा आज फेमस है पूरे विश्व में, बस्तर का दशहरा एक अलग रूप में मनाया जाता है। लेकिन बस्तर को जो प्रचारित किया गया है वो लाल आतंक के नाम से ही बस्तर जाना जाता है। जब भी हम बस्तर से छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं, दिल्ली मुंबई मद्रास की यात्रा करते हैं, बाजू में कोलकाता की यात्रा करते हैं, बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो उनका यही होता है बस्तर नक्सलवाद। आप बचेली जैसी जगह से रहे हैं और गौर नक्सलवादी क्षेत्र भी आता है। हम जो बस्तर के पहले में आऊंगा, आपका बचपन वही गुजरा है, आपने बस्तर को बड़ी करीब से देखा है। मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, क्या बस्तर वाकई वैसा है जैसा दिखाया जाता है, या बस्तर वैसा है जैसा हमने दंडकारण्य में पढ़ा है वैसा बस्तर है? देखिए, बस्तर के बारे में जो छवि बनाई गई है वो जानबूझकर और बहुत योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई है। दरअसल बस्तर एक प्रयोगशाला बना दी गई विचारधाराओं की। बिल्कुल। विचारधाराओं की इस प्रयोगशाला में, क्योंकि आपको एक विशेष किस्म का आतंकवाद प्रतिस्थापित करना था, आपको यहाँ घनघोर अंधेरा दिखाना था, उस क्षेत्र को अंधेरा करना था जो प्रकाश से जगमगा रहा था, जहां क्या कुछ नहीं था, जहां क्या कुछ नहीं था, इंद्रावती जैसी सदा नीरा नदी, शबरी जैसी पवित्र नदी, मालंगीर जैसी नदी, जहां कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि का आश्रम, प्रस्त्रवन पर्वत जो बैलाडीला को कहा जाता है, कहते हैं कि हनुमान जब संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने वहां पर कुछ क्षण विश्राम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ ऐसा है जो बस्तर परिक्षेत्र को पहचान दिला सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी पहचान लाल आतंकवाद से बनी। दिक्कत यह है, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा कि जगदलपुर से मेरा ग्रेजुएशन हुआ और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भोपाल गया। हॉस्टल में जो सामान्य परिचय होता है उस दौरान वो काफी साथी बैठे थे, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो? मैंने बताया मैं बस्तर से हूँ। तो बस्तर वहां 100 में से उस दौर में 98-99 को नहीं पता था कि बस्तर कहाँ है।
एक हो सकता है थोड़ा जागरूक हो, तो उसे बस्तर के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन उस छूटते ही उसका पहला प्रश्न था, अच्छा बस्तर से आए हो आप तो कपड़े पहने हुए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस्तर की ये पहचान उस दौर की एक अलग तरह की बना दी गई थी, क्योंकि तब बस्तर को वेरियर एल्विन के नाम से, ग्रेगसन से और जो अंग्रेज लेखक थे उनके लेखन से पहचान मिली, व्यापकता के साथ पहचान मिली। किसी ने बस्तर को देखने की, यहाँ की नैसर्गिकता को देखने की जहमत भी नहीं उठाई थी, इसलिए उन्होंने पहले कुछ पूर्व स्थापित नैरेटिव्स के आधार पर बस्तर को देखा, जो साम्राज्यवादी नैरेटिव थे जो कि उन लोगों ने लिखे थे जो उपनिवेश काल में यहाँ के प्रशासक रहे थे। ठीक है, फिर समय बदला, बस्तर को थोड़ी सी सांस मिली, लेकिन अचानक 80-90 के दशक को आते आते आप जैसे ही लाल आतंकवाद अपनी जड़ें फैलाने लगा, ये योजनाबद्ध तरीके से, देखिए बस्तर में नक्सलवाद को मैं कभी भी इसलिए जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि नक्सलवाद जब कोलकाता और उसके आसपास या बंगाल में जब फैला तो उसके कुछ नैसर्गिक कारण रहे हो। हो सकता है कि तेलंगाना तेभागा में जो मूवमेंट है उसके कुछ नैसर्गिक कारण रहे हो सकता है कि बिहार में जो कुछ हो रहा था उसके कुछ नैसर्गिक कारण रहे हो, झारखंड में कुछ नैसर्गिक कारण रहे हो, लेकिन बस्तर में जो 11 महत्वपूर्ण आंदोलन हुए वो ये बताते हैं कि वहां का जो जनजातीय समाज है वो कितना जागरूक था। केरल से भी बड़े परिक्षेत्र वाला बस्तर, जहां भूमकाल जैसा महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ, एक साथ एक ही दिन एक ही क्षण पूरा का पूरा बस्तर सुलग गया राजशाही के खिलाफ और ब्रिटिश प्रशासन की अराजकताओं के खिलाफ। इतना योजनाबद्ध आंदोलन कभी नहीं हुआ, तो क्या बस्तर जागरूक नहीं था? आपकी ये किताब आई थी बस्तर सन 1857? जी, मेरी किताब है बस्तर 1857, और ये मैंने विशेष तौर पर इसलिए लिखी क्योंकि 1857 की क्रांति में बस्तर की भूमिका को बहुत अधिक तरीके से प्रचारित नहीं किया गया। यहाँ पे लोग जानते ही नहीं है कि बस्तर में कभी हुआ। शहीद वीर नारायण सिंह के अलावा शायद छत्तीसगढ़ में किसी का नाम भी नहीं लेते। बस्तर के अंदर इतने अधिक आदिवासी वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और साम्राज्यवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि उनको तो आवश्यकता ही नहीं थी कि उनकी लड़ाई नक्सलवादी आके लड़े। ये तो आंध्र प्रदेश में विफल होते कोंडापल्ली सीतारमैया को बस्तर के भीतर के जंगलों में एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां की उनको लगा कि अगर हम यहां पर कार्यशैली को या अपने कार्यभूमि को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमको बगल में महाराष्ट्र, इस तरफ आंध्र प्रदेश, एक तरफ ओडिशा, ऊपर की तरफ झारखंड, विदर्भ, तो उनको एक ऐसा क्षेत्र मिल जाता भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण जो कई राज्यों से जुड़ा हुआ, और तब आसानी से वो वहां से उसको आधार इलाका बना सकते हैं और बहुत आसानी से अपनी गतिविधि चला सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं एक महत्वपूर्ण बात यहां जोड़ना चाहता हूं जो आपके प्रश्न से जुड़ी हुई है कि जब ये हुआ तो विचारधारा बंदूक के दम पे तो सिर्फ क्षेत्र कब जाती है, लेकिन कलम के जोर से वो नैरेटिव स्थापित करती है, और तब विचारधारा ने बस्तर के बारे में एक अलग किस्म का नैरेटिव स्थापित करना शुरू किया, और उसी नैरेटिव ने बस्तर को एक डरावनी जगह बना दिया। लोग भूल गए कि यहाँ पर चित्रकूट जैसा ऐसा जलप्रपात है जिसकी तुलना नियाग्रा के साथ होती है। लोग भूल गए कि यहाँ पर कुटुम्बसर जैसी गुफा है जो भारत की सबसे गहरी और लंबी गुफाओं में से गिनी जाती है। लोग भूल गए कि यहाँ पर अबू उजमाड़ जैसा एक खूबसूरत पर्वत और सघन वन है जहाँ पर नैसर्गिक आदिवासी रहते हैं जिनकी तुलना अंडमान और निकोबार की जनजातियों से की जाती है। लोग भूल गए यहाँ पर तुलसी डोंगरी, बैराडीला जैसे खूबसूरत पहाड़। लोग सब कुछ भूल गए, यहाँ सिर्फ याद रहा यहाँ लाल आतंकवाद। एक मैं और आपसे बात कर लूं, जब आप जो बस्तर में आपकी पढ़ रहा था, पूरा चीज फैला, मिलिट्री चलती है, मगर जब बस्तर में कुछ भी घटनाएं घटती है, घटनाएं दोनों तरफ घटती है, मरते नक्सल भी, मरते वहां के भोले भाले आदिवासी भी हैं, और शहीद हमारे जवान भी होते हैं, लेकिन बात केवल लाल की क्यों की जाती है, खाकी की क्यों नहीं होती? बस केवल एक प्रश्न, क्योंकि आप वहां हमेशा रहे हैं। जी, एक जिज्ञासा है। देखिए, वो इसलिए होती है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नैरेटिव्स कुछ कलमों ने जानबूझकर, मैं एक सरेंडर्ड नक्सली जो कि शहरी नक्सल से नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, मैं कुछ खास कारणों से उसका नाम नहीं ले रहा हूं, उससे मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो उसने मुझे बताया, उसने एक उदाहरण दिया, मुझे ग्लास सामने रखा और उसने कहा कि सर इसके ऊपर अगर आप बर्फ डाल दोगे तो क्या होगा। मैंने कहा बर्फ तैरेगी,
तो बोले जो बर्फ तैरेगी तो उसका जितना हिस्सा ऊपर दिखाई देगा उतना बंदूक वाले नक्सली है, और असल नक्सलवाद वो जो नीचे जो भरा हुआ ग्लास है ना वो है। इसका साधारण अर्थ यह है कि हम या हमारा पूरा जो विमर्श केंद्रित होता है बंदूक वाले नक्सलियों पर, और इस देश में विखंडनवादी राजनीति यत्र कत जहां भी हो रही है उन सब के पीछे वो जो भरा हुआ ग्लास है ना जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है वो शामिल है। वही नैरेटिव बनाता है, वही बताता है कि बस्तर क्या है और कैसा है, वही बता रहा है कि वो जो बंदूक लेकर हत्याएं कर रहे हैं वो क्रांतिकारी हैं और पुलिस शोषक है, वही बता रहा है कि एक इस व्यवस्था को बदलकर हम एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जो कि उस चीन जैसी है जहां लोगों को बोलने की भी आजादी नहीं, उस रूस जैसी है जो खुद टूटकर चरमरा करके खत्म हो गया। तो हमको कहीं ना कहीं सतर्क और सजग होना चाहिए ऐसे लोगों से जो नैरेटिव निर्माता है। एक बात और थी, मैंने आपको कहीं और भी सुना था, हर युवा मन जो होता है जिसको भी ले ले वो जेएनयू जैसे हो जाता है। एक कटु बात बोल रहा हूं, जब युवा होते हैं शुरुआत में वो लाल झंडे क्यों जरूर जाता है। बिल्कुल, क्या ये बस्तर के साथ भी कुछ ऐसी है कि बस्तर के युवाएं जो वो आज युवा वर्ग जो है वो लाल झंडे की ओर आकर्षित ज्यादा होता है कंपैरेटिव अपने तरीके की? नहीं, इसमें सिर्फ दो चीजें हैं। देखिए, एक युवा मन होता है जब उसके अंदर एक स्वाभाविक जोश होता है, और उस स्वाभाविक जोश को जिस तरफ मोड़ा जाए वो उस तरफ मोड़ सकता है। और आपने देखा होगा कि सर बहुत लंबे समय तक हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में, हमारे मीडिया में, हमारे अखबारों में वामपंथियों का एक बोलबाला रहा है। इस बोलबाले ने एक खास काम यह किया है कि जो वामपंथी लेखन है उसी को उन्होंने प्राथमिक लेखन माना, और शेष सभी प्रकार के लेखन को उन्होंने या तो नकार दिया या द्वितीयक लेखन कहा। तो प्राथमिक लेखन से जुड़ने के लिए जो उस समय का ओजस्वी युवा था या रचनात्मक जिसके अंदर रचनात्मकता थी, उसने ये समझा कि यही लेखन है, इसके अलावा कुछ भी लेखन नहीं है। और यही नाटकों के साथ हुआ, यही अभिव्यक्ति की समस्त विधाओं के साथ। इसलिए पूछ रहा हूँ, जब मैं भी कॉलेज में पढ़ता था जी तो पूरी जो पत्र पत्रिकाएं जो हमको मिलती थी जी, क्योंकि मुझे याद आता है एक बार नारायणपुर का में हमारे पास के ही इसके एसएफएल कमांडेंट थे जो वहाँ पे गए थे, बहुत यंग एज में उनकी हत्या हो गई थी नक्सल में ही, पेड़ों पे ब्लास्ट किया गया था, वो आज भी मेरे जहन पे कुछ नहीं है। लेकिन उस समय मेरी विचारधाराएं जो भी मिलती थी तो मुझे यही लगता था कि वो शोषण कर रहे हैं वहाँ की पुलिस, वहाँ के व्यापारी वर्ग, वहाँ का संपर्क समाज उन आदिवासियों का शोषण करता है और उनके पक्ष में, आदिवासियों के पक्ष में, क्योंकि आवाज़ नहीं उठा पा रहे ये नक्सलवादी लोग सामने आते हैं। और ये लेख मैं किताबों में कहानियों में पढ़ता था। देखिए, मगर जो पुस्तक हमको दी गई है मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि आप रहे। देखिए, इतना समय आज आज़ादी के 70 साल हो गए, अभी भी वही नैरेटिव है। जी हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 60-70 के दशक में ब्रह्मदेव शर्मा कलेक्टर हुआ करते थे बस्तर के। बिल्कुल ठीक है। अबूझमाड़ में एक सड़क प्रस्तावित थी, उस सड़क के प्रस्ताव को प्रशासन ने इसलिए रोक दिया कि उनका यह मानना था कि जहां सड़क जाती है वहां सड़क की बीमारियां जाती हैं, अगर सड़क जाएंगी तो वहां के जो नैसर्गिक जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। उसके साथ साथ में उन्होंने एक और काम किया कि अबूझमाड़ में जाने के लिए एक प्रवेश आपको एक शुल्क लगा दिया, और उसमें आपको एक पास मिलता था जिसमें कि आप सिर्फ कुछ घंटे के लिए अंदर जा सकते थे, एक घंटे का पास मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। एक घंटे में आप अबूझमाड़ में बमुश्किल ओरछा से कुछ कदम चल सकते थे और आपको वापस आना होता था। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति में नक्सलवादी जब बस्तर के भीतर घुसे तो उनको तो आनंद आ गया, क्योंकि आमतौर पर अगर किसी को आतंकवादी संगठन को अगर किसी क्षेत्र को कब्जाना होगा तो उसको वहां मौजूद सैन्य बल से लड़ाई लड़नी होगी। यहाँ तो आपने थाली में परोस के एक पूरा का पूरा मार्ग क्षेत्र उनको दे दिया कि आप आओ यहाँ पर जो है आराम से पसर जाओ और इसको अपना आधार इलाका बना लो, क्योंकि हमने खुद से ही प्रशासन विलोपित कर लिया है। और वो आते ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये जो गांव था उसको उधर कर दिया, वो जो गांव था उसको उधर कर दिया, अब आपके पास अब उजमार क्षेत्र का नक्शा भी नहीं है, लड़ लीजिए आप। आपकी लड़ाई इसीलिए तो विफल होती रही है क्योंकि आपने ऐसी जो है अपनी ही प्रशासनिक विफलताओं के कारण जो ऐसी जमीन, उर्वर जमीन तैयार की जिसको बहुत आसानी से उन्होंने हथिया लिया। और अब आप नैरेटिव बनाइए कि हाँ वो क्या वन विभाग का शोषण था, तो हम जैसे ही वो घुसे उन्होंने यहां उपलब्ध जो फॉल्ट लाइंस थी, ये सच है कि बस्तर शोषित क्षेत्र भी रहा है, ये सच है कि यहां पर सिर्फ नमक के नाम पर यहां अलग किस्म के शोषण, ये सच है कि फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है अंग्रेजों ने, ये भारत की आजादी के समय नहीं, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए तब से लेकर के
और आजादी के बहुत बाद तक मालिक बगुजा को कोई मतलब ज्यादातर लोग भूल गए, लेकिन उसको आप स्मरण कीजिए। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि बस्तर के अंदर शोषण होता रहा है और ये सच्चाई है, लेकिन ये शोषण बिल्कुल वैसा ही है जो कश्मीर में भी हो रहा है, कन्याकुमारी में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, उत्तर आप हमारे पूरे देश में हमारी व्यवस्था में कुछ खामियां हैं और उन खामियों को दूर तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन उन खामियों को दूर करने का ये अर्थ नहीं है कि हम बंदूक उठाएं और उसके बाद शुरू हो जाएं कि हमको जो सामने दिखाई देता हो, निरीह हो, निर्दोष हो, खत्म करते जाए। कौन मारा है बस्तर में? आदिवासी ही तो। आपने किनको माओवादी बनाया मोटिवेट करके? आदिवासियों को। कि वो किनके ऊपर गोली चला रहे हैं? आदिवासियों पर। हमारा सिस्टम प्रतिवाद करने के लिए किन किन के किन पर गोली चला रहे हैं? आदिवासियों पर। तो मरने वाला कौन? आदिवासी। हम कर क्या रहे? वो लोग जो जस्टिफाई कर रहे हैं, दरअसल असंख्य आदिवासियों की मौत की जिम्मेदार है इस देश में। इसलिए वो जो नैरेटिव है जो इस बंदूक को सपोर्ट करता है, इस आतंकवाद को सपोर्ट करता है, दरअसल असंख्य आदिवासियों की मौतों का वो जिम्मेदार है। वो लेखन भी जिम्मेदार है जिन्होंने उनके पक्ष में लिखा है, नक्सलवादियों के पक्ष में, वे भी इस देश के असंख्य आदिवासियों की मौत के जिम्मेदार है। बात करेंगे आपका एक और, मैंने कहीं सुना था किसी मंच पे आप दलित साहित्य का वो बात करते हैं, तो दलित साहित्य पे बात करूंगा मैं आपसे, दो मिनट का ब्रेक ले लेता हूं। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर हम पहुंच चुके हैं और बात करेंगे राजीव रंजन जी से, और राजीव रंजन जानना चाहेंगे कि बार ये दलित साहित्य की प्रखरता के साथ बात रखते हैं कि दलित साहित्य एक अलग से साहित्य भी होना चाहिए जिसमें दलितों के लिए दलितों द्वारा लिखा जाए, जैसी बातें आपकी आई थी। देखिए मेरा मानना है कि साहित्य तो साहित्य है, साहित्य एक बड़ी छतरी में साहित्य ही कहलाता है। हाँ। जैसे देश एक अपनी व्यापकता में देश ही है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से राज्य हैं जो अपनी अपनी पहचान के साथ हैं। हम केरल को उसकी अपनी अलग नैसर्गिक पहचान के साथ जानते हैं, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, सबको उसकी नैसर्गिक पहचान के साथ जानते हैं, और वो हमारे राज्यों के विभेद है। वैसे ही साहित्य एक विस्तृत पटल पर साहित्य ही है, उसका कोई विभेद नहीं हो सकता। वो जैसे एक राष्ट्र है वैसे साहित्य अपने आप में व्यापक परिभाषा है, लेकिन व्यापक परिभाषा के अंतर्गत कई उपभाग होते हैं। वे उपभाग बताते हैं कि साहित्य के अंदर किन किन घटकों पर रचनाएं होनी चाहिए, उनकी आवश्यकता क्या है, और इसमें दो तत्व होते हैं, मैं प्रेक्षक के रूप में लिख रहा हूं और मैं भोगा हुआ यथार्थ लिख रहा हूं, दो अलग अलग खंड हैं। जब मैं प्रेक्षक के रूप में लिख रहा हूं तो मैं दूसरे की व्यथा को अपने अंदर काल्पनिक रूप से लेकर के आता हूं, महसूस करता हूं उस पीड़ा को और तब शब्द देता हूं, लेकिन अगर मैं भोगा हुआ यथार्थ लिख रहा हूं तो मेरा एक स्टेप कम हो जाता है, और एक स्टेप कम हो जाता है तो मैं अपना भोगा हुआ यथार्थ लिखता हूं तो वह अधिक संवेदनशील करता है लोगों को। तो मेरा मानना यह है कि साहित्य को वर्गीकृत ना करें, साहित्य को साहित्य कहें, लेकिन उसके जो उपभाग हैं वो बहुत आवश्यक है, उनका क्लासिफिकेशन बहुत आवश्यक है। इसलिए हमको भोगा हुआ यथार्थ, आपको अपने साहित्य को समुन्नत बनाना है, अपने साहित्य को समृद्ध करना है, तो आपको उन घटकों को क्लासिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात, मगर क्या इसको दलित साहित्य के नाम से देना या प्रचारित करना उचित होगा? देखिए बहुत लोग जैसे प्रवासियों ने अपने साहित्य को प्रवासी साहित्य की तरह प्रचारित किया है, महिलाओं ने स्त्री विमर्श ने स्त्री एक बड़ा उपखंड रखा है स्त्री साहित्य का, और स्त्री विमर्श को उस तरीके से वो सामने लेकर के आए। दरअसल साहित्य ही हम कथा ही पढ़ रहे हैं, और दरअसल पाठक अंत में तय करता है कि ये तो बहुत सुंदर स्त्री विमर्श है, पाठक अंत में तय करता है कि बहुत अच्छा दलित विमर्श है, लेकिन एक साहित्यिक अन्वेषण के लिए साहित्य पाठक के लिए साहित्य ही होता है, पाठक के लिए तो कोई वर्गीकरण नहीं होता, वो तो कहानी उठाता है और पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद वो निष्कर्ष पर पहुंचता है। लेकिन जब आप एक अध्येता है, जब आप एक स्टूडेंट हैं, जब आप एक रिसर्चर हैं, जब आप विश्वविद्यालयों के लिए पुस्तक लिख रहे हैं, तब आपके पास एक समुचित वर्गीकरण होना चाहिए कि भारतीय साहित्य है, इस साहित्य के इसमें ये विधाएं हैं, इन विधाओं को इन इन उपखंडों में बांटा जा सकता है, इससे वो एक खूबसूरत क्लासिफिकेशन बन जाता है। राजीव जी, इसमें दलित साहित्य के ऊपर लिखने वाले साहित्यकार सामान्य वर्ग से भी आते हैं और दलित वर्ग से भी आएंगे, तो क्या दलित साहित्य को रखना आपका जो तर्क है, क्या वही साहित्य रखा जाएगा जो दलितों द्वारा दलितों के लिखा गया है या सामान्य वर्ग द्वारा दलितों के लिखा गया? मैंने दो बातें कही सर,
एक मैंने कहा है कि दोनों ही तरीके से साहित्य लिखा जाता है, बिल्कुल है ना, लेकिन एक होता है प्रेक्षक की तरह साहित्य, उसकी अपनी महत्ता है, उसको आप नकार नहीं सकते। कई बार प्रेक्षक भोगे हुए व्यक्ति के यथार्थ को उससे बेहतर तरीके से रख लेता है, क्योंकि उसकी संवेदनशीलता उस स्तर की होती है। तो लेखन जो लेखक है वो उसकी योग्यता पर, वो पाठक को किस तरीके से अपनी भाव संप्रेषित कर पाता है उस पर निर्भर करता है, लेकिन जो भोगा हुआ यथार्थ है तो वो सीधे संवेदित करता है, सीधे स्पर्श करता है। ठीक ठीक ठीक, भाव अच्छे से व्यक्त कर पाएगा। इसलिए आप इनको, इन दोनों को क और ख करके रख सकते हैं, लेकिन आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। भोगे हुए यथार्थ को सामने रखने का, उनको वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। इससे एक उत्थान भी होगा उन लोगों, उनके अंदर उनके मनोबल का भी उत्थान होगा, उनके लिखने के अंदर की प्रेरणा भी मिलेगी, उनको एक अलग पॉकेट या अलग स्थान भी मिलेगा जहां वो अपनी बात को रख सकते हैं, और उनमें से श्रेष्ठतम साहित्य के जो मतलब कालातीत साहित्य के अंतर्गत वो अपने आप गणना करा लेगा। जो श्रेष्ठतम होगा वो कालजयी अपने आप हो जाएगा। हम तो जो एकेडमिक डिस्कशन है उसकी बात कर रहे हैं। साहित्य साहित्य है, साहित्य साहित्यकार के माध्यम से पाठक तक पहुंचता है, ये एक सामान्य परिभाषा है। लेकिन जब एकेडमिक डिस्कशन आप करते हैं तब आप वर्गीकरण की तरफ जाते हैं, जिसका लेखक और पाठक से कुछ लेना देना नहीं, वो एक एकेडमिक डिस्कशन है। एकेडमिक डिस्कशन में ब्रैकेट्स होने चाहिए। राइट, चलिए आजकल एक और चल रहा है, आप भारतीय इतिहास की ओर जा रहे हैं। जी, इतिहास तो लिखा हुआ है पहले से ही, अब उसको नए ढंग से प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? देखिये, बहुत समय से इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता महसूस की जाती रही। ये माना जाता रहा कि भारतीय इतिहास सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा गया। ये माना जाता रहा कि हमने कुछ कालखंडों को, खास तौर पर मैं बिना झिझके कहना चाहता हूँ, खास तौर पर मुगलों को आवश्यकता से अधिक ग्लोरीफाई किया गया, खास तौर पर दिल्ली सल्तनत के कुछ शासकों को आवश्यकता से अधिक ग्लोरीफाई किया गया, लेकिन हमारे अपने ही शासन समय जो उनसे, देखिए ये मुगलों का शासन समय 600-700 साल से अधिक का नहीं है ना, पूरे दिल्ली सल्तनत से लेकर 1000 वर्ष से अधिक का नहीं, अंग्रेजी शासनकाल 200 वर्ष से अधिक का नहीं, लेकिन उससे पहले जो हमारी 5000 साल की संस्कृति है उसके पास सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त, गुप्त शासन कालों का जो, जिसको कि हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, हर्षवर्धन, मतलब हमारे पास जो है गौरवशाली और महान शासकों का एक पूरा का पूरा जखीरा है, लेकिन हम उनपे चर्चा ही नहीं करते, कईयों को तो उनके नाम तक नहीं पता है। तब मुझे ये महसूस हुआ कि देखिए, जिसको जितने जितना स्थान भारतीय इतिहास में मिलना चाहिए उनको मिलना, उनको दिया जाना चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है? तो हमेशा मेरी ये मान्यता रही है कि जो आप सोचते हैं उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे को नहीं दे सकते। वो अगर आपके मन में है कि ऐसा कोई काम होना चाहिए तो वो जिम्मेदारी खुद उठाइए। तो मैंने ये, और अचानक ये कथानक मेरे सामने आया, मैं, मेरी पोस्टिंग खंडवा के पास थी और वहां से लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी पर असीरगढ़ का किला है, तो मैं असीरगढ़ का किला गया, मैंने उस किले को देखा, और अश्वत्थामा वहां पे आते हैं, और असीरगढ़ के किले के साथ मान्यता है कि वहां अश्वत्थामा आते हैं। तो उस मान्यता के अन्वेषण के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि अश्वत्थामा दिखे या ना दिखे, अश्वत्थामा वहां हो या ना हो, मेरे को तो एक कथानक मिल गया, एक उपन्यासकार को एक पात्र, एक, क्योंकि देखिए देश काल परिस्थिति पात्र, बिल्कुल है ना, आपको पात्र की उम्र होती है 100 साल। अगर मैं उपन्यास लिख रहा हूं तो मेरे पास पात्र तो होना चाहिए, बिल्कुल, तो पात्र तो 100 साल में मर जाएगा, तो फिर मैं किसी एक वृहत उपन्यास को अगर मैं कल्पना करता हूं तो मुझे तो 100 साल का ही पात्र मिल रहा है, तो फिर अश्वत्थामा 5000 साल से जीवित पात्र है। अश्वत्थामा जो महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महारथी है, गुरु द्रोण का पुत्र है, उनसे ही शिक्षित है, शासक रहा है पांचाल क्षेत्र का, तो अश्वत्थामा एक छोटा मोटा पात्र नहीं है जिसको ब्रह्मास्त्र चलाने का, वापस करने का तो भले ही ज्ञान ना हो, लेकिन अस्त्र चलाने का ज्ञान रहा है वो, मतलब एक विराट व्यक्तित्व था। तो अश्वत्थामा आज इन 5000 सालों से, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर वे भटक रहे हैं तो वो अनजान रहे होंगे, वो सिर्फ संन्यास की, उन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों को महसूस किया होगा, अन्वेषण किया होगा, अपने सामने बदलती हुई दुनिया देखी होगी, तो उनकी क्या विवेचना होगी। तो मैंने कथानक ये ऐसा बुना कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के कुछ छात्र अपने स्टडी टूर पर गए बुरहानपुर किले में, और अचानक वहां पर कुछ ऐसी अवांछित घटनाएं हुई जिसके कारण अचानक अश्वत्थामा को बाध्य होकर वहां आना पड़ा। मैं उस घटना का, मैं पाठकों को ये कहता हूं कि इस, वो क्या घटनाएं थी, उसकी रोचकता को जानने के लिए तो आपको मेरे उपन्यास से गुजरना होगा, लेकिन ये कथानक ये है
कि अश्वत्थामा वहां आते हैं और अब छात्रों और अश्वत्थामा के बीच संवाद शुरू होता है। और ऐसे में आप देखिए, आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अन्वेषित करेंगे तो बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो वंस अपॉन टाइम आई वाज से शुरू होता है। तो मैंने भी वहीं से शुरू किया कि अश्वत्थामा जब शुरू होते हैं तो महाभारत नैरेट करते हैं बच्चों को, लेकिन महाभारत उसमें अश्वत्थामा जो है वो बता रहे हैं कि महाभारत का युद्ध और महाभारत में क्या क्या घटनाएं घटी अश्वत्थामा की जुबानी जी। और जब अश्वत्थामा बताते हैं तो वो किसी न किसी पात्र के माध्यम से भारतीय इतिहास में निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए वो अगर विदुर बता रहे हैं तो हो सकता है कि वो चाणक्य की तरफ निकल जाएं। हाँ। और चाणक्य के माध्यम से पूरा मौर्य साम्राज्य का इतिहास मैंने सामने रख दिया। तो इस तरीके से मैंने समानांतर कहानियां बुनी, एक तरफ महाभारत चल रही है और दूसरी तरफ हमारा भारतीय इतिहास चल रहा है। ये 6 खंडों का उपन्यास है जिसमें पहले 2 खंड प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरे 2 खंड मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरे 2 खंड आधुनिक भारत का इतिहास, ये मैंने इस तरीके से समन्वित किया है। जिसके पहले 2 खंड अब पहला प्रकाशित होकर के आ गया है, दूसरा प्रेस में चला गया है, तो प्राचीन भारत का इतिहास संपूर्ण हो गया है। विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि खंड 1 को पढ़ने के बाद यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत से छात्रों ने मुझे परेशान कर दिया कि सर कब आ रहा है दूसरा खंड, कब आ रहा है दूसरा खंड। तो अब दूसरा खंड भी आ गया है, प्रेस में है और जल्दी ही पाठकों के हाथ में होगा। यूपीएससी वालों के लिए भी है और बाकी जो तैयारी यूपीएससी कर रहे हैं उनके लिए किताब महत्वपूर्ण होगी। साथ में उपन्यास एक रोचकता के साथ जी बिल्कुल, अश्वत्थामा की जुबानी पूरे महाभारत कहानी और मध्य भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत तीनों को एक नए ढंग से पढ़ने का मौका आपको मिलेगा। अब यहां तो हुई बात भी, महाभारत की घटनाएं भी आ गई, मैं वापस आ जाता हूं मतलब फिर से बस्तर की ओर में। बस्तर जो कि नैसर्गिक प्राकृतिक है, दर्शकों को क्योंकि यहां पर पूरे देश विदेश के भी लोग जुड़ते हैं, मैं इतना आपके माध्यम से लाल आतंक को अगर छोड़ दें तो बस्तर में क्या क्या चीजें हैं जो लोगों को दिखा सकते हैं आप? देखिए आपकी किताब आई थी बस्तर नाम जी जी जी, उसके मैं नहीं, मेरी किताब बस्तर पर्यटन और संभावनाएं भी हैं। हाँ। जिसमें दरअसल मैंने काम करना शुरू किया 2004-05 से, जिस दौर में सलवा जुड़ुम काफी प्रसारित था और बस्तर बुरी तरीके से झुलसा हुआ था। आपने सलवा जुड़ुम की बात कर ली तो उसमें भी एक विषय ले लेता हूँ। सलवा जुड़ुम जो था एक अच्छा दौर चल रहा था, एक अच्छा मूवमेंट था। बस्तर वासी होने के नाते राजीव रंजन जी सलवा जुड़ुम को कैसा देखते हैं? देखिए मैं विवादों में रहा है सलवा जुड़ुम, मैं विवादों को भी मैं उसी पे मैं गंभीरता से बात करना चाहता हूँ कि पहला तो स्टेटमेंट मैं महेंद्र कर्मा जी का लेता हूँ। महेंद्र कर्मा जी का आखिरी साक्षात्कार मेरा लिया हुआ है जो उनके जीवन के कुछ अंतिम क्षण के कुछ दिवस पहले का है। हाँ, हाँ, हाँ। और कर्मा जी से मैंने पूछा था कि आप सलवा जुड़ुम को कैसे मूल्यांकित करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये लड़ाई तो हम जीत जाते लेकिन हम दिल्ली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हार गए, ये महत्वपूर्ण है, इसको हमको कोट करके रखना पड़ेगा। दूसरा, कुछ आंदोलन स्वतः स्फूर्त होते हैं जिसमें सलवा जुड़ुम भी था, लेकिन आंदोलन जब एक व्यापक नेतृत्व विहीनता का शिकार होता है तो उसमें अराजकता आती है। दूसरा, जब नेतृत्व विहीनता होती है और उसके बाद सरकार का इंटरफेरेंस किसी भी तरीके से हो जाता है तो वहां उसके अंदर प्रदूषण के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं और अपना लाभ अपना हित साधने वाले एलिमेंट्स भी उसमें जुड़ जाते हैं। सलवा जुड़ुम केवल स्वतः स्फूर्त आंदोलन ही नहीं रहा, बाद में धीरे धीरे उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ते चले गए, लेकिन हाँ सलवा जुड़ुम जब शुरू हुआ तो वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। मैं एक बात कहता हूं कि सलवा जुड़ुम की बहुत आलोचना हुई, देश नहीं विश्व भर में आलोचना हुई, लेकिन माना कि उनके हथियार गलत थे, और मैं किसी भी हथियार को गलत मानता हूं इसलिए सलवा जुड़ुम के पक्ष में उठे हथियारों को जस्टिफाई नहीं करता। तो इस तरफ की बंदूक गलत तो इस तरफ की बंदूक भी गलत होगी, हमको खुलकर कहना चाहिए कि हर ओर की बंदूक गलत है जी। तो अगर सलवा जुड़ुम की बंदूक गलत थी तो नक्सलवादी बंदूक भी गलत है, हम खुल के कहें ना। हम मूल्यांकन में एक पक्ष ले रहे हैं, हमको मूल्यांकन में दोनों पक्ष लेने चाहिए और निरक्षीर विवेक करना चाहिए, लेकिन यही बात है कि हमने एक को तो नैरेटिव में लिया दूसरे को नहीं लिया। ये तो इसमें क्योंकि गवर्नमेंट के एलिमेंट भी थे तो सुप्रीम कोर्ट के पास प्राधिकार था, उन्होंने उसको कहा कि आपको ये बंद होना चाहिए, और जैसे ही सलवा जुड़ुम बंद हुआ क्या आप जानते हैं कि हर दिन सलवा जुड़ुम के कार्यकर्ताओं की मौत हुई, हर दिन मारा गया। ये कैसा देश है जहां दिल्ली में एक साधारण सड़क दुर्घटना देश की नहीं वैश्विक समाचार बन जाने का कारक बनती है, लेकिन
बस्तर जैसे क्षेत्र में जहां रोज रोज नक्सलवादी किसी न किसी आदिवासी की किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की जो सलवा जुर्म से जुड़ा हुआ था या किसी किसी न किसी आदिवासी की मुखबिर बताकर हत्या कर देते हैं, करते रहे, कर रहे हैं, लेकिन हम सब खामोश है। बस्तर में इतने बृहद नरसंहार में जो जो कारक है उसमें हमारी खामोशी भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम खामोश न रहे होते तो नक्सलवाद के पक्ष में उठ रही आवाजें कभी इतनी बुलंद नहीं होती। हमारी खामोशी भी उसका एक बहुत बड़ा कारण। आप एक छोटी सी कुछ लाइनें भी बोलते हैं वर्दी को लेके कि सैनिक तो वो भी थे वर्दी पे। नहीं नहीं, मेरा एक मेरी बड़ी चर्चित क्योंकि इस वक्त कविता है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक जरूर बात इसी दृष्टिकोण की बात करना चाहूंगा। एक मेरी बड़ी चर्चित कविता है दिल्ली से बस्तर दिखता है, इसकी मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ। ये इसलिए क्योंकि हम बस्तर से रहकर बस्तर को कैसे दिखते हैं और दिल्ली वाले बस्तर को कैसे दिखते हैं कि दिल्ली से बस्तर दिखता है। मैंने बोया था लेम्बू मगर साथिया उसको कद्दू बता करके छापा गया। घर में मूसा घुसा था मगर देख ले उसको हाथी समझ करके नापा गया। जब से कोदो के खेतों में बंदूक है सांस लेना भी अपनी खबर बन गई। हम डकारे तो मुंह में घुसे कैमरा अपनी अपनी उत्सुकता है दिल्ली से बस्तर दिखता है। बहुत दिल्ली से बस्तर कैसा दिखता है राजीव जी ने दो लाइनों में बताने का प्रयास किया। अब दिल्ली वालों को बस्तर राजीव जी कैसा दिखाते हैं अंतिम में यह प्रश्न के साथ। देखिए मैं दिल्ली वालों को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने आंखों में पड़ी हुई पन्नी उसको अगर हटाएंगे तो आपको बस्तर हरा भरा नैसर्गिक खूबसूरत ऐसा मनोरम दिखाई देगा कि आप यहां अगर आ गए तो यहां से जाना नहीं चाहेंगे। बस्तर नैनीताल से खूबसूरत है, कश्मीर से खूबसूरत है, कन्याकुमारी से खूबसूरत है। बस्तर इतना खूबसूरत है, यहां इतना कुछ है जो आपने देखा ही नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। बस्तर एक ऐसा पठार है, पहाड़ नहीं पठार, जहां बैलाडीला जैसा पर्वत बीचों बीच उठता है, जहां 35 किलोमीटर उसके बीच में से पाट काट करके गली नाला बहता है, दो ओर नैसर्गिक पहाड़। सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए, मालंगीर घाटी वहां खड़े हो जाइए और दूर तक देखिए। मैं आपको दावा करता हूं कि घंटों आप उसकी खूबसूरती को निहारते रह सकते हैं। अनछुआ ऐसा खूबसूरत चित्रकूट का जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी वहां आने से लोग घबराते हैं। उनसे गए गुजरे कितने ही जलप्रपात पर्यटन स्थल हैं, लेकिन चित्रकूट में सीमित आगमन आज भी। यहां तो इतना अधिक आगमन होना चाहिए क्योंकि आप भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात देख रहे हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, अगर आपको एडवेंचर का शौकीन शौक है, तो बस्तर में केवल कुटुम्बसर ही नहीं, असंख्य गुफाएं हैं। आप भीतर उतरिए, स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट की ऐसी गुफाएं और कहीं नहीं है। और बस्तर केवल कितने ही आपके अभयारण्य हैं, कितने ही आपके वन क्षेत्र हैं, कितना यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, कितने जीव, मतलब बस्तर को आप एक शब्द में परिभाषित नहीं कर सकते, अनंत कहानियां हैं। और मैंने कहा कि मैंने बस्तर पर्यटन और संभावनाएं जो किताब लिखी है वो लगभग 500 पृष्ठों की है, और वो भी मैंने बहुत काट छाट करके लिखी है। इतना वृहद है बस्तर में पर्यटन की संभावनाओं का स्थल। आप एक बार खुले मन से यहां आकर के तो देखें, ढोलकल पर्वत और उसके ऊपर छठी सदी के गणेश, 3500 फीट की ऊंचाई पर नाग शासकों ने जो गणेश की प्रतिमा वहां स्थापित की, सोच कर देखिए, वो किसी विजय स्तंभ की तरह, किसी स्मारक की तरह वहां पर खड़ा कितना खूबसूरत लगता है। चारों ओर घना जंगल, बीच में एक 3500 फुट की ऊंचाई पर ऊंचाई में खड़ा एक सीधा सा पहाड़ और उसके ऊपर गणेश की प्रतिमा जिस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है और जो उसकी छटा बिखरती है, सोच कर देखिए देखिए कि कितना खूबसूरत है वहां का नजारा। लेकिन बस्तर को अगर उस चश्मे से आप देखते रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे, जो आपको अखबारों के माध्यम से, जो आपको कुछ खास लोगों की पुस्तकों के माध्यम से, जो कुछ खास विचारों के माध्यम से परोसा जा रहा है, तो कभी भी आप सच के निकट नहीं पहुंच पाएंगे। छोड़ दीजिए पुस्तकों को, चले आइए बस्तर, आप सचमुच अभिभूत होकर लौटेंगे। तो बस्तर से सुंदर जगह शायद ही कोई मिली होगी आपको। अगर हम मैं ये कह दूं राजीव जी की भाषा में कि छत्तीसगढ़ में भी स्वर्ग बसता है, तो वो बस्तर है। बिल्कुल। तो अब लाल चश्मा उतारिए और हरे चश्मे के साथ में देखिए, आइए हमारे साथ छत्तीसगढ़ में और घूमिए बस्तर और नैसर्गिक सुंदरता का अनुभव करिए, तरोताजा होइए हमारे साथ
बस्तर में। बात करने के लिए बहुत सारी है राजू जी आपसे, क्योंकि बस्तर और छत्तीसगढ़ के बारे में अभी तो शायद एक चौथाई हिस्सा भी नहीं हुआ है जी। लेकिन आपकी व्यवस्था है, आपको भी जाना है, तो हम आज यहीं पे विराम देंगे इस विषय को लेकर के। जल्दी हम राजीव जी का समय देंगे तो मुलाकात करूंगा जरूर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।